आज थाना समाधान दिवस पे मैं और डीएम साहब यहाँ थाना मीरगंज आए थे और यहाँ पे हम लोग पहले तो हमने थाना परिसर का निरीक्षण किया और थाने में साफ सफाई का निर्देश दिया गया और बताया गया कि जो भी फरियादी पहले भी जो थाना समाधान दिवस में कंप्लेंट दे चुके हैं उसका भी करवाया जाए, गुणवत्तापूर्वक समाधान कराया जाए और उसके बाद जो शिकायत करता है उनसे फीडबैक भी लिया जाए कि वो अपने जो समाधान से है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। उसके बाद जो आज भी आ रहे हैं हमारे सारे लेखपाल लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनको भी निर्देश दिया गया कि जो भी शिकायतें आ जाएँ उसमें टीम बना के और आज ही वो लोग चले जाएँ अपने अपने क्षेत्र में, जो भी उसका समाधान करना है आज ही समाधान कर दें, ताकि ऐसा कभी कभी होता है एक बार निकलने का फिर दोबारा मिलना मुश्किल हो पाता है तो फिर अगले समाधान दिवस के दिन मिल पाते हैं। तो अगर आज ही पूरी टीमें बना के SHO साहब भेज देंगे तो वो आज ही उनका समाधान हो जाएगा और उसके साथ समाधान की CO साहब को निर्देश दिया गया कि समाधान की देख लें क्वालिटी समाधान हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। तो यही मेरे निर्देश हैं। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें कुछ फाइल को देख कर बताया गया था कि कुछ जमीनी विवाद हैं जो यहाँ पे थाने में ज़्यादा है, सर क्या कुछ कहा गया आपके द्वारा? हाँ, मेरे द्वारा ये भी कहा गया कि जैसे थाना समाधान दिवस में इनके पास 4 या 5 ही कंप्लेंट आती है हर में और उसमें बीच के पीरियड में जैसे हम लोग या उच्च अधिकारियों द्वारा भी कंप्लेंट जिसमें जमीन से विवाद से होती है वो थाने को मार की जाती है, तो उन कंप्लेंट को भी आज थाना समाधान दिवस के रजिस्टर में चढ़ा लें और जो लेखपाल और पुलिस अधिकारियों की टीम बना के उसको भेज के उनका समाधान भी थाना समाधान दिवस के अंतर्गत ही करवा लें। सर, आपके द्वारा जिले में आज और कोई भी थाने का निरीक्षण किया गया है? इससे पहले हम और DM साहब थाना CBGanj गए थे। थैंक यू सर। आपने निरीक्षण कराया जिसमें CSC और PSC में निरीक्षण कराया, सर क्या कुछ कमी या कुछ मिली है क्या निरीक्षण में आपको? देखिए, CSC में गया था तो वहीं सभी डॉक्टर मुझे मौजूद मिले और लंबी लाइनें लगी हुई थी दवा लेने वालों की। इस समय इधर मौसम ऐसा है जिसमें खांसी बुखार जुकाम ये बहुत तेज़ी से हो रहा है लोगों को, तो लोगों को दवाइयाँ दी जा रही थी। वहाँ ही कुछ कमियाँ हमें मिली, जैसे एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है और डेंटिस्ट की जो टेबल है वो ख़राब पड़ी हुई है, वाटर लॉगिंग की कैंपस में गंदगी भी थी तो उसके लिए हमने तत्काल ठीक करने के लिए कहा है। लेकिन जिस ढंग से लाइन लगी थी, जिस ढंग से OPD चल रही थी, इससे मुझे प्रतीत हुआ कि CSC आसपास प्रथम उपचार करने में सक्षम है और यहाँ भी मैंने देखा जैसे एडिशनल PSC जिसको PSC कहते हैं, PSC में भी साफ़ सफाई की बहुत कमी थी और वहाँ निश्चित ही टॉयलेट वगैरह भरा पड़ा हुआ, तो उसको तत्काल ठीक कराने के लिए हमने बोल दिया और सभी डॉक्टर रहे क्षेत्र में भ्रमण करें और स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भी हमने यहाँ पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और जिला पंचायत सदस्य जो हमारे साथ खड़े हैं उनसे हमने अपील की है कि आप गाँव के लोगों में जागरूकता अभियान चलाएँ, लोग अपने घरों के सामने की नाली साफ रखें, गंदगी न फैलाएं क्योंकि वो गंदगी उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर, यहाँ पे एडिशनल जो PSC है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई MBBS वाला डॉक्टर नहीं है सर? यहाँ देखिए, डॉक्टर हमारे यहाँ कुल बहुत ही कम है पूरे ज़िले में, तो जो डॉक्टर हमारे पास है उन्हीं डॉक्टरों से हम लोग काम ले रहे हैं। जब तक नए डॉक्टर्स नहीं आते इन्हीं डॉक्टरों से हमें काम कराना है और ये डॉक्टर काम कर भी रहे हैं। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, एक MY और एक भी वो बैठी हैं क्या ना, होम्योपैथ भी, तो MB जो हमारे BMS डॉक्टर्स हैं वो आराम से प्रथम उपचार भर का ज्ञान उनको रहता है, इसलिए उनको निर्देश दिया गया है कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ भी, दवा मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत दिनों से।